बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस वक्त नर्सरी ख़याम सेनवा वाले रोड पर आया हूँ और यहाँ आप देखें कि ये जो गार्बेज, ये जो कचरा जो जमा हुआ हुआ है वो आप देखें, ये ईओबीआई की हेड ऑफिस भी है और आप यहाँ आप देखें कि कितना कचरा जमा हुआ हुआ है। आज 23 जुलाई 2018 का ये दिन है और ये आप देखें कि हाल आप देख रहे हैं और इतनी बदबू आ रही है जिसकी इंतहा नहीं है। और यहाँ भी, यहाँ पर भी मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है। ये ईओबीआई की हेड ऑफिस भी है, ये पीछे वो ख़याम सिनेमा होता करता हुआ करता था और यहाँ ये रोड भी तकरीबन ब्लॉक कर दिया है कि गाड़ियाँ यहाँ से निकलना भी महाल है, यानी गाड़ियाँ निकल भी नहीं सकती। इतना थोड़ी सी जगह छोड़ी भी है और बाकी पूरा ये भरा हुआ है। और ये एरिया जो है डीएमसी ईस्ट का है और डीएमसी ईस्ट का जो कचरे का ठेका जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यानी सिंध गवर्नमेंट ने जो दिया है वो $26 कहते हैं, $26 के हिसाब से दिया है चाइनीज़ फर्म को। अब ये अगर चाइनीज़ फर्म को इन्होंने दिया है तो क्या ये सिर्फ पेमेंट के लिए ही है या कचरा उठाने का भी है? और ये हैं शाहराह फैसल, यानी कराची का सबसे बड़ा रोड है और वीआईपी मूवमेंट्स हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप ये देखें, ये गाड़ी निकल रही है, ये गाड़ी निकल नहीं सकती, यानी इतनी जगह छूटी हुई है। बाकी तो पूरा आधा रोड जो है वो भरा हुआ है। अब ये देखें आप, ये यहाँ से कि आधा से ज़्यादा रोड जो है वो कचरे से भरा हुआ है। मैं जुडिशियल कमीशन को अपील करता हूँ कि जो 26 फरवरी 2018 को सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जुडिशियल कमीशन के ऑर्डर के ऊपर इश्यू जो किया है गार्बेज डंपिंग और बर्निंग के ऊपर बैंड किया हुआ है। अब ये बैंड करने के बाद भी ये हाल है, आप सोचें। और ये मेन रोड या मेन एरिया है कि जहाँ पर ये हाल है। तो अब शहर का जो पुअर लोकेलिटीज़ हैं या सबर्ब हैं उनकी क्या पोजीशन होगी? मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दें और कराची को जो माहौलियाती तबाही बर्बादी हो रही है और ये सारी इसकी ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है कि जो कुछ नहीं कर रही है, उसके लिए अपना किरदार अदा करें इसको रुकवाने के लिए। शुक्रिया।